नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। राहुल गांधी बोले, दिग्विजय के बयान से कांग्रेस असहमत, सेना कुछ भी करे सबूत की जरूरत नहीं। बच्चों के नाम पीएम का दिन, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रखा कार्यक्रम, बाल पुरस्कार सम्मानित बच्चों से भी मिले। दिग्विजय के बयान पर रामेश्वर बोले, उन्हें विमान के नीचे बांध कर ले जाए ताकि तबाही अपनी आंखों से देख सके। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अमित शाह बोले, मोदी सरकार में हल हुआ था ओआरओपी मुद्दा, आजादी की जंग का बड़ा तीर्थ है सेलुलर जेल। वहीं आम आदमी पार्टी के विरोध के बावजूद पहले ली मनोनीत पार्षदों ने शपथ, शांतिपूर्ण चल रही कार्यवाही। जयशंकर बोले, वाजपेयी ने पड़ोसियों के साथ सहयोग के अवसर देखे पर आतंकवाद की चुनौतियों से वाकिफ थे। मझधार में फंसा पाकिस्तान, आईएमएफ की शर्त मानी तो शरीफ को लग सकता है चुनावी झटका, न मानी तो दिवालिया होने का खतरा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, शिवराज बोले कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। सीपीएम यूथ विंग का ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, केरल में दिखाएंगे केरल की केंद्र की नाराजगी दरकिनार। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, चुनावों के दौरान फर्जी कहानियां गढ़ने का चलन तेजी से बढ़ा। भार ओएस, केंद्रीय मंत्रियों ने टेस्ट किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईआईटी मद्रास ने किया है विकसित। 2023 बजट में वित्त मंत्री से मध्यम वर्ग को उम्मीद, राजस्व वसूली से सरकार की तिजोरी भरी। प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पाक पत्रकार ने किया सवाल, व्हाइट हाउस के बयान ने कर दी बोलती बंद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की मुंबई की अदालत में पेशगी, अगली सुनवाई 27 फरवरी को। मोरबी पुल हादसे पर एसआईटी द्वारा जब्त दस्तावेज, मोरबी न्यायपालिका ने मांगे वापस, सरकार से की अपील। सिद्धारमैया सरकार में 35,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप, बीजेपी ने लोकायुक्त से की शिकायत। महिला टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में भारत को सीरीज में मिली दूसरी जीत, स्मृति मंधाना हरमनप्रीत ने खेली तूफानी पारी। सर्जिकल स्ट्राइक पर घिरने के बाद दिग्विजय दे रहे थे सफाई, पर उन्हें पीछे कर मीडिया पर भड़क गए जयराम रमेश। बजट 2023 में 9 साल में खर्च कई गुना बढ़े, पर आईटी में छूट का दायरा वही रहा। सेवा क्षेत्र निर्यात चालू वित्त वर्ष में 300 अरब डॉलर के पार होगा, गांधीनगर में बोले पीयूष गोयल। बाजार में मजबूती बरकरार, सेंसेक्स 230 अंक मजबूत हुआ, निफ्टी 18,150 के पार पहुंचा। दक्षिणी गोवा में बनाया जाएगा आईआईटी का परिसर, सीएम प्रमोद सावंत ने करी बात। उत्पल परिकर बोले, सेना पर दिग्विजय की टिप्पणी आश्चर्य की बात नहीं, उन्होंने लादेन को भी ओसामा जी कहा था। पाकिस्तान केवल एक भारतीय नेता बालासाहेब ठाकरे से डरता था, कार्यक्रम में बोले महाराष्ट्र सीएम शिंदे। जियो ने बनाया नया रिकॉर्ड, देश के 50 शहरों में एक साथ लॉन्च किया 5G नेटवर्क। सीमा विवाद बना नाक की लड़ाई, कानूनी टीम को 60 लाख रुपए प्रतिदिन देगी कर्नाटक सरकार। वहीं गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी का संदेश देगी थल सेना, सिर्फ मेड इन इंडिया उपकरणों का होगा प्रदर्शन।
केंद्रीय कानून मंत्री बोले, न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में नवजोत सिंह सिद्धू नहीं होंगे शामिल, रिहाई पर फंसा पेंच। प्रधानमंत्री से मिले सीएम सुक्खू, विकास कार्यों के लिए उठाई उदारता पूर्वक सहायता की मांग। कानून मंत्री पर कपिल सिब्बल का तंज, क्या आपके विवादित बयान न्यायपालिका को मजबूत बना रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दे घिरे दिग्विजय सिंह, पड़े अकेले, जयराम ने कहा ये उनके निजी विचार। असम में उग्रवादी संगठनों ने किया 26 जनवरी के बहिष्कार का ऐलान, लोगों से हड़ताल में शामिल होने का किया आह्वान। जेपी नड्डा ने कहा राजस्थान चुनाव में 3/4 बहुमत लाएगी भाजपा, बनेगी सरकार। विश्व आर्थिक मंच ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी को स्वीकारा। महाराष्ट्र में कोरोना काल में पेरोल पर रिहा 451 कैदी लापता, सजा याप्ता भी नहीं लौटे जेल। गुजरात में स्वदेशी 5G 4G प्रौद्योगिकी देश में इसी साल होगी शुरू, मंत्री बोले 1 करोड़ कॉल का 7 में परीक्षण। उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर से मिलाया हाथ, गठबंधन का किया ऐलान। वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुई प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, जेएनयू ने लगाई रोक। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गवर्नर पद छोड़ने की जताई इच्छा। वहीं केरल सरकार ने पीएफआई के 248 कार्यकर्ताओं की संपत्ति कुर्क की, हाईकोर्ट में दी जानकारी। सुभाष चंद्र बोस की कल जयंती पर सीएम ममता ने कसा पीएम पर तंज, कहा कमाने के लिए कर रहे द्वीपों का नामकरण। भाजपा विधायक की पोस्ट पर बवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा आतंकवादी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले अब भी शाहरुख के बारे में ज्यादा नहीं जानता, अमिताभ धर्मेंद्र जितेंद्र की ही फिल्में देखी। पूर्व न्यायाधीश बोले न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायपालिका कार्यपालिका में परिपक्व बहस हो। दक्षिणी भारत को जल्द ही 3 और वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमको कोई लेना देना नहीं, क्या बनेगा अब समीकरण। राजस्थान भाजपा को बड़ा झटका, 25 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। फरवरी से जुलाई तक रात में बंद किया जाएगा अमौसी एयरपोर्ट, उड़ान लैंडिंग की नहीं होगी अनुमति। हिमाचल में अलर्ट के बीच मौसम ने बदली करवट, प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में भारी बर्फबारी। आतंकी गुरुपवंत पन्नू ने सीएम भगवंत मान को दी धमकी, गणतंत्र दिवस पर बठिंडा में तिरंगा फहराएंगे मान। राजस्थान में पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग, खाचरियावास बोले बीजेपी को चैलेंज, विधानसभा में टेबल करे नाम। वहीं दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, कई सेकंड तक हिली धरती। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।